रास्ता रहती हो इसमें जो है आपको नई नई जानकारी दी जाती है। इसी पक्ष में देखते आज आपको तो कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित जैसे बैंकिंग प्रणाली हो गया, खाते के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड कर प्रणाली चेक और ड्राफ्ट और सामान्य हो गया इन चीज़ों के बारे में बताया जाए। ठीक है, जब जानकारी बहुत अच्छी है जिससे मनुष्य के जीवन में जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो सभी क्रियाएँ जो है अर्थशास्त्र से संबंधित होती हैं। हम जैसे देखिए कुछ भी करते हैं, वो करते हैं, निवेश करते हैं, वितरण करते हैं ना, या उत्पादन करते हैं, ये सभी क्रियाएँ जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। ये सभी क्रियाएँ क्या अर्थशास्त्र से संबंधित है। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण है जो आधुनिक जीवन के लिए बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, पहले देखिए जब वैदिक काल था या उत्तर वैदिक काल था उसमें बैंकिंग प्रणाली नहीं थी। सबसे पहले जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय की वस्तुओं के बदले ही वस्तुएँ दी जाती थी ना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। बाद में देखिए धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली कठिन होती गई। अगर वस्तुएं अधिक बड़ी है तो उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं और दोहरा सहयोग की भी कमियां होने लगी। देखिए दोहरा सहयोग होता है जहाँ पर इस प्रकार की वस्तुएं कि जिससे अगर हमारे पास कोई वस्तु अधिक मात्रा में है तो दूसरे को उस वस्तु की आवश्यकता हो और हमारी आवश्यकता की वस्तु उसके पास हो, तो इस प्रकार की जो आवश्यकताएं थी उनमें कमी होने लगी। ये जो दोहरा सहयोग था उसमें कठिनाई होने लगी, तो फिर धीरे धीरे जो है मुद्रा का प्रचलन हुआ। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन हुआ तो सबसे पहले जब वैदिक काल में जो है गाय को मुद्रा का माध्यम माना जाता है ना, उसके बाद जो है फिर से जो है जब औपनिवेशिक काल चला यानी कि जब ब्रिटिश शासन जब भारत में हुआ तो उसके बाद से जो है यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली जो है प्रचलन में आई। ठीक है, जब औपनिवेशिक काल यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, आप लोगों को पता है अंग्रेजों का शासन जो है 1757 से शुरू होता है यहाँ, उससे पहले जो है सबसे पहले उसके द्वारा व्यापार के लिए जो है 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उसी के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही जो है अंग्रेजों के द्वारा एक प्रेसिडेंसी बैंक, सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक 1743 में जो है प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी। 1743 में जो है प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी उसकी चार शाखाएं थी, एक तो बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और एक और था बैंक ऑफ मुंबई। ये चार जो है बैंक, इन चार बैंकों को खोला गया था सबसे पहले। उसके बाद जो है धीरे धीरे भारतीय मुद्रा की स्थापना की गई 1935 में और उसके बाद से जो है भारतीय मुद्रा का प्रचलन हुआ 1935 के बाद और 1949 में जो है फिर जो है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है हमारा जो जितने भी मुद्राएं हैं उन सभी मुद्राओं का प्रचलन जो है RBI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक जो छोटी मुद्रा है 1 रुपया 2 रुपया वो जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है 1 रुपये का प्रचलन, और जो है जितनी भी मुद्राएं हैं सारी मुद्राएं जो है RBI के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, जितने भी सिक्के और नोट होते हैं दो प्रकार की मुद्राएं होती है, एक धातु मुद्रा और एक पत्र मुद्रा, इन मुद्राओं में जो है ये मुद्राएं जो है RBI के द्वारा क्या की जाती है, इनका निर्गमन किया जाता है RBI के द्वारा। तो RBI की स्थापना होती है 1935 में, उसका राष्ट्रीयकरण होता है कब 1949 में। ठीक है, 1949 के बाद जो है RBI जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और RBI के द्वारा फिर अन्य बैंक, देखिए RBI जो है वो एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक है, वो हमारे लेन देन को स्वीकार नहीं करता है। RBI जो है नोटों का निर्गमन करता है, वो हमारे लेन देन या फिर हमें ऋण उपलब्ध कराना या हमारे पैसे जमा नहीं करता है RBI। ठीक है, वो क्या करता है, मात्र नोटों का निर्गमन करता है और अन्य जो व्यापारिक बैंक होते हैं उन बैंक को जो है वो ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक, देखिए बैंक जो है चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार के बैंक होते हैं, एक तो आप लोगों का केंद्रीय बैंक हो गया, दूसरा जो है आपका व्यापारिक बैंक हो गया, तीसरा जो है सहकारी बैंक हो गया और चौथा जो है विकास बैंक हो गया। ठीक है, ये चार प्रकार के बैंक है भारत में। चार प्रकार के बैंकों में से केंद्रीय बैंक के बारे में आप लोगों को बता दिया, केंद्रीय बैंक क्या है, उसका काम है नोटों का निर्गमन करना और जो बैंक होते हैं व्यापारिक बैंकों को क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, कौन, RBI। RBI के द्वारा जो है व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और हमें हमारे जो पैसे होते हैं वो जमा भी उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वो हमें क्या देते हैं, पैसे बैंक के द्वारा अगर बैंक ऋण देता है तो वो भी हमसे ब्याज देते हैं। ठीक है, वो भी हमसे क्या करते हैं, ब्याज देते हैं, तो ये व्यापारिक बैंक है। दूसरा जो है सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक
पहला केंद्रीय बैंक हो गया, दूसरा व्यापारी बैंक हो गया, तीसरा जो है सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक लिखे जो कृषि उद्योग है या प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी उद्योग आते हैं उन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक है, सहकारी बैंक जो है जैसे किसानों से संबंधित या कृषि ऋण हो गए या अन्य ऋण हो गए, इस प्रकार की व्यवस्था जो है सहकारी बैंक के द्वारा की जाती है। तीसरा है विकास बैंक, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या फिर ज्यादा जो धन जमा करते हैं या विकास के लिए जो उद्देश्य से जो ऋण लेते हैं वो जो है विकास बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये बैंक जो है चार प्रकार के हैं। आगे ना बैंकिंग प्रणाली देखिए, जीवन में जो है रुकावट से वो आप होता है रेखांकित है। ठीक है, उसको कहा जाता है रेखांकित है। और सामान्य वाले में जो है वो अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं भी है तो उस चेक का भुगतान आप लोगों को कर दिया जाता है। तो जिसने आपको चेक देगा उसके खाते में पैसे होने चाहिए और चेक जो है जो उपलब्ध करा रहा है उसके साइन होने चाहिए, आप लोगों को चेक का भुगतान हो जाएगा। लेकिन जो रेखांकित चेक है उसमें जो है आपका खाता जब बैंक में होगा तभी आपका जो है खाते में जाएगा उस चेक का पैसा, ये आप लोगों का रेखांकित चेक है। ठीक है, दूसरा होगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है कि देखिए जब किसी के द्वारा अगर आप ड्राफ्ट बनाते हैं किसी के खाते के लिए सीधे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आप जो है ड्राफ्ट के माध्यम से अगर किसी बैंक में जाते हैं आप कहते हैं ड्राफ्ट बनाना है तो आप लोगों का जिसके खाते में पैसे डालने हैं उसके नाम से आप ड्राफ्ट बनाते हैं, यानी कि आपको जितने पैसे जमा कर रहे हैं तो उतने पैसे उसके खाते के लिए ड्राफ्ट किए जाते हैं और उसका भुगतान जो है उसी व्यक्ति को होगा, उसी के खाते में जाएंगे। ठीक है, उसके खाते में जाएंगे आप ड्राफ्ट के लिए आपके खाते की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो है पैसे लेकर सीधे बैंक में जाकर ड्राफ्ट बना सकते हैं। लेकिन जिसको भेजते हैं उसका खाता होना चाहिए और उसके खाते में ही वो पैसे जाएंगे, वो क्या है आप लोगों का ड्राफ्ट। ठीक है, चेक और ड्राफ्ट भी हो गया ना। अब उसके बाद आप लोगों का सामान्य बजट। ठीक है, बजट आप लोगों ने सुना होगा। बजट क्या होता है, देखिए एक वर्ष के लिए, वैसे भारत में एक वर्ष के लिए अधिक समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक वर्ष के लिए जो आय व्यय का विवरण जिसकी रेखा जो हुआ जो तैयार किया जाता है आय व्यय का एक वर्ष के लिए उसको कहा जाता है बजट। ठीक है, सामान्य बजट जो आय व्यय का मतलब क्या होता है कितनी आय आ रही है और कितना हमारे द्वारा व्यय किया जा रहा है, उसका जो लेखा जोखा अगर तैयार किया जाता है एक वर्ष के लिए तो वो है हमारा बजट, उसको क्या कहा जाता है बजट। ठीक है, जिसमें हम आय व्यय का आकलन करते हैं एक वर्ष के लिए उसको कहते हैं क्या बजट ना, उसको बजट कहा जाता है। बजट बनाने के लिए देखिए किसके द्वारा बनाया जाता है बजट, वित्त मंत्री से प्रस्तुत करते हैं। देखिए भारत में जो महालेखा निदेशालय होता है उनके द्वारा जो है वित्त मंत्री की अनुमति से जो है बजट तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट जो है संसद में बनाया जाता है। तो बजट बनाने के बाद वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है, पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद जो है राज्यसभा में भी उसकी समीक्षा की जाती है, वहाँ भी पेश किया जाता है और उसके बाद उस बजट को जो है लागू किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होगा, बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, भारत का बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, कब प्रस्तुत होता है बताओ, फरवरी में। देखिए फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, अब जो है एक या दो फरवरी को होने लगा है। ठीक है, एक या दो फरवरी को, अगर एक फरवरी को जो है अगर छुट्टी हो जाती है तो दो फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा जो है एक या दो फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है और बजट पेश करने के बाद वो जो है लागू है 1 अप्रैल से होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है उसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष, उसको क्या कहा जाता है वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो समय है जो अवधि है उसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष, उसको क्या कहा जाता है वित्तीय वर्ष। उसके बाद देखिए बजट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आप लोगों का संतुलित बजट होता है, एक घाटे का बजट होता है और एक आधिक्य का बजट होता है। ठीक है, एक संतुलित बजट में होता है जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी आय आ रही है उतनी देश के द्वारा व्यय भी किया जाता है तो वो होता है आप लोगों का संतुलित बजट, उसको कहा जाता है संतुलित बजट। और दूसरा जो है आप लोगों का घाटे का बजट, घाटे के बजट में क्या होता है, अगर देखिए जितनी आपकी आय प्राप्त हो रही है उससे अगर अधिक आप व्यय कर देते हैं, ठीक है, आय से अधिक अगर आप लोगों के द्वारा व्यय किया जाता है तो वो होता है आपका घाटे का बजट। ठीक है, अगर व्यय अधिक होगा तो वो क्या होगा घाटे का बजट होगा। अगर देखिए एक होता है फिर आधिक्य का बजट, 3 प्रकार के बजट होते हैं, एक संतुलित हो गया, एक आधिक्य का और एक घाटे का। ठीक है, तीसरा जो है आधिक्य का बजट, यानी कि जहाँ पर आपका व्यय कम होता है और आय अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, व्यय कम होता है और आय अधिक प्राप्त होती है तो वो है आप लोगों का आधिक्य का बजट। ठीक है, उसको कहा जाता है आधिक्य का बजट। देखिए सभी परिवार के लिए भी बजट बनाया जाता है, परिवारों के लिए भी बजट बनाया जाता है ना। देखिए जितनी भी आय परिवार के व्यक्तियों के द्वारा अर्जित की जाती है उसी के अनुरूप जो है क्या किया जाता है
क्रय और विक्रय किया जाता है, वस्तुएं खरीदी जाती है और पूरा बजट बनाया जाता है परिवार के लिए भी बनाया जाता है। इस प्रकार से देखिए परिवार की आय जितनी है उसी के अनुरूप व्यय व्यय भी किया जाता है। अगर व्यय अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, उधार बढ़ जाता है ना, ऋण ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, घाटे का बजट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी आय अधिक है और आपके द्वारा व्यय कम किया गया तो आपकी बचत जो है बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो वो क्या हो गया आपका आधिक्य का बजट। ठीक है, वो क्या हो गया आधिक्य का बजट। अगर देखते हैं आपका आय और व्यय दोनों बराबर होता है तो वो क्या है आपका संतुलित बजट। ठीक है, उसको कहा जाता है संतुलित बजट। सामान्य बजट भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका जो बैंक के खाते इसके साथ साथ देखिए पोस्ट ऑफिस में भी खाते होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस के खातों के बारे में बताते हैं थोड़ा ना। पोस्ट ऑफिस में भी जो है इसी प्रकार के खाते खोले जाते हैं जो आपके बैंकों में खोले जाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कुछ योजनाएं जो है विशेष चलाई जाती है। ठीक है, विशेष योजनाएं भी चलाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जाती है। आपको उनको पता है पोस्ट ऑफिस के बारे में क्या पता है, देखिए ब्याज तो ज्यादा कम जो भी मिलेगा, लेकिन जो अन्य व्यवस्थाएं होती है जो बैंक से भी अलग, जैसे आप लोगों का सुकन्या योजना होती है, ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो विशेष यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी जो विशेष खाते खोले जाते हैं ना, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है पोस्ट ऑफिस से बनाए जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी जो है पोस्ट ऑफिस में की जाती है। इनमें जो है ब्याज जो है अधिक मिलता है, जैसे सुकन्या योजना है। देखिए वैसे सबसे पहले जो है 250 रुपये का खाता खुला जा सकता है सुकन्या के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब 1000 रुपये, ठीक है, पहले जो है 250 का था लेकिन अब जो है 1000 रुपये, और उसमें आप जो है 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख तक आप उसमें जमा कर सकते हैं और उसमें जो है आपको 8.5% ब्याज मिलता है, 8.5% ब्याज मिलता है उसमें। हाँ, और बैंक में नहीं, पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या बैंक में। देखिए बैंक में तो आप लोगों को जो RBI के द्वारा जो तय किया जाएगा उसी के अनुरूप ब्याज मिलता है, वो तो कम 4% ब्याज मिलता है। अलग अलग रेट होते हैं अलग अलग बैंकों के, देखिए वहाँ पर आप लोगों को कहीं पर 12% भी होगा, कहीं पर 7% भी होगा, कहीं पर 6% भी होगा, वो तो अलग अलग बैंक के द्वारा अलग अलग स्कीम जो बनाई जाती है उन पर जो है ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। ठीक है, बैंक के लिए और ऋण के लिए, और वो जिस प्रकार का जवाब देते हैं, देखिए आप अगर देखिए ऋण किसी अगर व्यवसाय के लिए लेते हैं तो वहाँ पर आपका ब्याज अधिक होता है। ठीक है, अगर देखिए आप किसी कोई गरीब व्यक्ति है वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऋण लेता है तो उसका जो है ब्याज की दर वहाँ पर कम होती है। ठीक है, उसकी ब्याज की दर कम होती है। इस प्रकार जो है ब्याज जो है बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए बैंक ब्याज किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कौन से बैंक के द्वारा, जैसे